हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अब भी हो चुकी है दोपहर, दोपहर मतलब आफ्टरनून, तो आप लोगों को पता होगा। तो सो आई एम हैविंग लंच, और मेरे लंच में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्या ऐसे नहीं दिख रहा, मैं दिखाती हूँ। ये है दाल, ये है पीली वाली दाल जो होती मूंग धुली, ये है बैंगन और आलू का भरता, 2 चपाती, और ये है नींबू का अचार जो मेरी मम्मी ने मतलब सासू माँ ने बनाया है। यही है सिंपल सा लंच, सिंपल ही करती हूँ मैं। ज़्यादा मुझे ऑयली या कुछ इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं, वो कभी कभी अच्छी लगती है, डेली नहीं अच्छी लगती। तो अभी हो गई है दोपहर, और फिर उसके बाद मुझे एक वीडियो बनानी है, एंड उसके बाद हम शाम को मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हम एक मार्केट जाएंगे जो मतलब थोड़ी सी दूर पे है, 5-7 किलोमीटर जो मेरे घर से है, और बहुत ही अच्छी मार्केट है। वहाँ पे ना आपको मतलब बहुत अच्छे फैब्रिक मिल जाएंगे अगर आपको कोई ड्रेस बनवानी है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। आई थिंक मोस्टली लोग सब जानते होंगे, बट मैं जब जाऊँगी तब मैं आप लोगों को बताऊँगी वो कौन सी मार्केट है दिल्ली की। बहुत अच्छी है, आप अच्छी जैसी भी कैसी भी ड्रेस बनवाना चाहे ना, तो आप इजीली वहाँ से फैब्रिक लेके आपको हर टाइप का फैब्रिक मिल जाएगा, और ही बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे, चीप एंड बेस्ट वाली बात है, तो बहुत ही अच्छी उस पर मिल जाएगा। तो आप लोग उससे कोई भी ड्रेस बनवा सकते हैं जैसे भी। तो अभी बस लंच करेंगे थोड़ी बहुत रेस्ट करने के बाद, क्योंकि माही की ट्यूशन टीचर आएगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो फिर मतलब 4-5 बजे जाएंगे हम। तो फिलहाल मैं लंच कर लेती हूँ, बाकी मैं आप लोगों को बिल्कुल दिखाऊंगी वो मार्केट। मोस्टली लोग जानते होंगे क्योंकि मार्केट तो आज की डेट में, बट फिर भी जो नहीं जानते होंगे तो उनको पता चल जाएगा। चल जा रहे हैं मार्केट, और आयु ने ना अपनी बुआ को बहुत लंबी सी लिस्ट दी है। संगीता, लिस्ट में क्या लिखा है दिखाओ। कार इतनी बड़ी और एक कार के लिए मुझे इतनी लंबी लिस्ट लेके जानी, जिसको मैं दिखाऊंगी, जिसके सामने खोलूंगी वो मेरी बेइज्जती कर देगा। वही से छोटी लिस्ट तैयार करो, इतना तो पहले छोटी लिस्ट बनाओ भाई। तो हम वैसे जा रहे हैं, इनके पास बैडमिंटन है, इनको एक और बैडमिंटन चाहिए। यहाँ लिस्ट बना बना के दी जा रही है बुआ को कि आप लोग मार्केट जा रहे हो तो लेके आना। आपको क्या लगता है इतनी सारी चीजें, जिसको जिसको डिमांड अपनी कंप्लीट करवानी, दो दो थप्पड़ खाओ। दो थप्पड़ का और क्या, आंखें हैं लाल। और वहाँ कार नहीं मिली तो हम वहाँ थोड़ी जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगी उधर से लाना। हाँ मैं कहीं से भी ले आऊंगी, लेकिन कार ले आऊंगी दोनों की, लेकिन एक जैसी आएगी। भैया यहाँ डिमांड पे डिमांड होती जा रही, सबको कार चाहिए। तुम्हें कार, तुम्हें सीमेंट ट्रक, ठीक है। मैं थोड़ा इतना सही लाना और मुझे ले भी इतना सही। तुम्हारी कॉम, ठीक है। और मेरी इसकी इतनी बड़ी लिस्ट ना दो बुआ बैंक। और मैं जब तक घर पे नहीं आऊँ सब अपना वर्क फिनिश करेंगे, और घर बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। टेबल सबको लान होनी चाहिए, जिसको जो होमवर्क मिला है वो कंप्लीट होना चाहिए। सोचते नहीं रही, नहीं तो गाड़ी वो आएगी नहीं। ब्यूटी दीदी मुझे कॉल कर देंगी कि इन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, शरारत की है, तो गाड़ी कैसे, तुम्हारी भी नहीं आएगी। अगर तुम अच्छी टीचर नहीं बन पाई कैंसिल, अगर तुम इनकी शरारत में शामिल हुई तो तुम्हारा कैंसिल। पहले सोच रही थी तो कभी तो जाओगी, नहीं तुमने बता दिया नहीं। देंगे इन लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, ये भी ला दो वो भी ला दो, मिलता है क्या क्या है। पढ़ाई कंप्लीट करो, जो पढ़ाई करेगा सिर्फ उसी को मिलेगा। वो जब से सुना ना मार्केट जा रहे हैं मम्मा और बुआ, तो यहाँ लिस्ट बनी जा रही है कि ये ला दो वो ला दो, हम रेडी हो चुके हैं। हाँ ये बात है, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी ज्योमेट्री है, कहाँ गई? इनको बस सामान मंगवाना है, बस इकट्ठे करके सारे कुछ रखना ही है। पूरा बैडमिंटन सेट वो देखो घर में रखा हुआ है, तो उसमें सिर्फ दो एक पीस है।
अगर तुम दो चार करोगी क्या, कौन सा तुम्हारी तो है तो तुम्हारे पास बैडमिंटन, क्या करोगी? हाँ तो शटल कॉक, मैंने पहले कॉक बोला था ना मैंने, तो बोल तो दिया ले आएंगे कॉक, बस बस अब सोचने का टाइम, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही मिलेगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे उसके बाद मिलेगा। तो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी, देखो ये तो आज पढ़ाई यार, मस्ती टाइम नहीं है, स्टडी टाइम, गो। ऐसी टीचर है तुम लोग, हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस अभी निकलने वाले हैं 5 मिनट में हम लोग। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, आज संगीता खूब सारी शॉपिंग करने वाली है, बस स्कूटी से जाएंगे हैं, हम डेली शॉपिंग करते रहते हैं। सो फाइनली आ गए हैं मार्केट, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये मार्केट है मंगोलपुरी में, लोग जानते होंगे बहुत से, इसे कत्तर मार्केट के नाम से बोलते हैं। आपको यहाँ फैब्रिक हर टाइप का मिल जाएगा, ये देखो हम लोग इयररिंग्स देख रहे थे, बट अभी इयररिंग्स कितना होता है चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने मीशो से भी बहुत सारा मंगा लिया था, तो नहीं ऐसा कोई मेन पर्पज से हम लेने कुछ आए नहीं हैं, बट ये देखो गोटे और लगे थे, लेसेस लगी हुई थी बहुत सारी, तो चाहे तो आप यहाँ ले सकते हो। बाहर के अकॉर्डिंग ना आपको जैसे मेन मार्केट वाली शॉप होती ना उनसे तो आपको ये सस्ते मिल जाएंगे, यहाँ इतने अच्छे अच्छे थे ना, बट वही हमें ऐसी कोई नीड थी नहीं, हम लोग ये सोच के आए थे कि अगर हमें कुछ अच्छा मिल जाएगा तो ले आएंगे, चलो क्योंकि लॉकडाउन से पहले मैं गई थी, मेरे हिसाब से जब मैं स्कूल जाती थी तब गई थी, उसके बाद तो मैं गई नहीं, तो लॉकडाउन जो कि मतलब आप लोग जाने लग गए हैं, और यहाँ पे भीड़ तो मतलब इतनी थी जैसे पहले नॉर्मल डेज में थी बिल्कुल भी लग नहीं रहा था। फिर हम लोग आगे भी गए और हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ये देखिए इतने अच्छे अच्छे फैब्रिक्स थे ना, ये कुर्तीज़ के आप कुर्ती बनवाना चाहो, और साड़ियाँ भी इतनी अच्छी अच्छी मिल रही थी ना, मतलब कुछ भी आप लेना चाहो ना, ब्लैंकेट, बेड शीट, एनीथिंग आपको जो मिल जाएगा। वैसे सबको मोस्टली ये पता होगा, बट जिनको नहीं पता है तो वो यहाँ जाके रिजनेबल प्राइस में ले सकते हैं, जैसे बहुत बहुत महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो यहाँ से ले सकते हैं, बहुत को रिजनेबल प्राइस में मिलेगा। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे, हम आ गए मार्केट से, और ये हमारी हिस्ट्री में पहली बार होगा कि हम मार्केट गए और कुछ ना ले गया है। दिखाओ एक बार, ये था क्या ले गए, बच्चों की डिमांड जो लिस्ट वो तो पास के घर के पास की शॉप से लेके आए, बच्चों की डिमांड दोनों की बोले सेम कार है, बस कलर चेंज है, क्योंकि मैंने येलो मंगवाई थी इसने ब्लू मंगवाई। और ये तार की कौन सी कलर है, ये तार दिखाओ, मेरे पास बैडमिंटन था बस, मतलब ये मिल गया था तो मिल गया मुझे वापस, सब पूरा सेट हो गया मेरे पास, मतलब ऐसा था ना कि आप लोगों को क्या बताऊं मैं, मतलब पता नहीं अब की ना समझ में नहीं आया फैब्रिक ना, हर बार जाते कुछ ना कुछ तो पसंद आता ही है, लेके ही आता, मैं वहां से बहुत बार कुर्ती और सूट के कपड़े लेके आई, पर अब की बार है ना मेरे को समझ में ही नहीं आया। और भाई मार्केट में जाने के बाद कहीं से नहीं लग रहा था कि मार्केट में क्या कोरोना फैला हुआ है, बस बच्चों के लिए टॉय लिया वो भी हमने घर के पास से, और एक हमने पाइनएप्पल कुछ भी नहीं लिया, ये पहली बार हुआ है, लेकिन अच्छा हुआ ना पैसे बच गए, पैसे बच गए, कल हम फिर जाएंगे मार्केट, कल अनु आएगी तब चलेंगे मार्केट, कल तो हम तिलक नगर मार्केट जाएंगे, हम वहाँ पे तो मिल जाती है बहुत सारी चीजें मिल जाती है। एक्चुअली मैंने सोचा था अगर मुझे वहाँ बैंगल्स मिली ना तो मैं ले लूंगी, बट मुझे ना वहाँ समझ में नहीं आई, ना बैंगल्स समझ में आई ना कुछ और चीजें समझ में आई, मोस्टली ऐसा लग रहा था ना जैसे सब पहले की पुरानी डिजाइन के ही फैब्रिक थे, तो कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए हमने लिया नहीं। हमें एक साड़ी पसंद आई थी और बट उसने रेट कम नहीं किया जितना हम चाहते थे, तो इस वजह से हमने वो साड़ी भी नहीं ली, और बस यही था थक थका के आगे। लेकिन ये है कुछ लाए ना लाए, पैरों की बैंड जरूर बज गई, चलते 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 पैर दर गया। हम 4:30 बजे गए थे और 6:30 आई थिंक हो रहे हैं, 2 घंटे में आए हैं,
जबकि स्कूटी से गए थे उसके बावजूद भी बस हम चलते रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आए, एक ही जगह समझ आए तो और जगह हमें समझ ही नहीं आया, तो इसलिए हमने नहीं लिया। बस बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, उनको उनकी चीज़ मिल गई है, हमें तो कुछ समझ में नहीं है। बाकी मैं कल जाऊंगी तब देखती हूँ कि क्या पसंद आता है। मिलती है मुझे बैंगल्स लानी, क्योंकि अब करवा चौथ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। जो मुझे पहनना वो मेरा डिसाइड हो चुका है, वो तो आपको करवा चौथ वाले दिन ही पता चलेगा कि मैं क्या पहनूंगी। एंड बस उसका मुझे ज्वेलरी लेनी है मैचिंग, और बैंगल्स यही लेना है और कुछ लेना। सो फाइनली था ये हमारा आज का ब्लॉग, और यहाँ तो बातें चलती रहेगी, बट मैं नहीं चाहती ब्लॉग बहुत लंबा हो, बट हाँ मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।